वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एनएलपी के कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे रिसर्चर्स अभी भी लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे एरिया जिनको एरिया ऑफ रिसर्च जिनको हम एम कर रहे हैं एनएलपी के जरिए, और हम उसके अंदर रोज नई नई कोई ना कोई चीज़ ईजाद होती जा रही है, नई नई कोई चीज़ इन्वेंट होती जा रही है, और रिसर्चर्स इसी को आगे और अच्छा इसकी सेटिस्फेबिलिटी और बढ़ाने के लिए और अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला एरिया जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे वो करूँगा नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, किसके लिए? डेटाबेस के लिए। अब हमारे पास डेटाबेस है और डेटाबेस भी काफ़ी पुराना है, रिलेशनल डेटाबेस हमने का यूज़ करा, एसक्यूएल पीएसक्यूएल यूज़ करी, ओरेकल यूज़ करे, कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करे, बड़ी बड़ी एमएनसीज के, बड़ी बड़ी मतलब सैप का हो या ओरेकल का हो, कुल मिला के है के चक्कर कि ये जो आपने डेटाबेस यूज़ करा ना, जो किसी एक प्रोग्राम के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो सिंटेक्स जो है उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब ये कि अगर आपने डेटाबेस यूज़ करना है तो आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, और उस एसक्यूएल जो क्वेरी लैंग्वेज आपने, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आपने ली, वो जो यूजर है वो उस पर एडहेर हो गया कि उसको उस लैंग्वेज का सिंटेक्स पता होना चाहिए, तब जाके डेटाबेस रिट्रीव होगा। लेकिन अगर हम उस डेटाबेस को रिट्रीव करना चाहें नेचुरल लैंग्वेज पे, तो नेचुरल लैंग्वेज क्या है कि एक इंटरफेस बनेगा डेटाबेसेस के बीच में, जो कि क्या करेगा कि डेटाबेसेस के एंट्रीज को पढ़ेगा और फटाफट उठा के आंसर देगा। उसके बाद आता है अगला टेक्स्ट जनरेशन। अब एनएलपी रिसर्चर्स जो है वो क्या करते हैं, टेक्स्ट को प्रिपेयर करना या रिपोर्ट बनाना या समरी बनाना, ये उन लोगों के लिए जरूरत है जिनको सारा का सारा डेटा टेक्स्ट में चाहिए, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट को प्रिंट करने की कोशिश करे। मतलब आपके पास बहुत बड़ा सारा डेटा बैंक है, बहुत बड़ा सारा डेटा बैंक है, और वो डेटा बैंक है सपोज किसी कंपनी का, मर्सिडीज कंपनी का डेटा बैंक है, जो कि बताती है कि डेयरी के अंदर मर्सिडीज कितनी बिकी है और कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिका। आपने क्वेरी जनरेट करी और वो टेक्स्ट में लिख के दिखाए कि मर्सिडीज सबसे ज्यादा रेड कलर की बिकी है, तो ऐसा टेक्स्ट जनरेट करने के लिए बहुत बड़ा मैसिव डेटाबेस को एक जगह क्यूमुलेट करना पड़ेगा, और वहां पे कंसोलिडेशन होगा इन्फॉर्मेशन का, और उसके बाद वो टेक्स्ट जनरेट करेगा। उसके बाद आता है उसी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो एनएलपी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप क्या करते हैं कि जब भी कोई टेस्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम बनाते हैं तो वो आपके नेचर मतलब बड़ी हेल्प करता है, जिसमें आप ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। मतलब आप जैसे अगर अभी फिलहाल जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एमएस ऑफिस जो हम यूज करते हैं, तो ग्रामरली एक टूल आता है, तो वो क्या करता है, हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ग्रामरली उसको सही करने की कोशिश करता है, उसके अंदर पंक्चुएशन। इवन मैं खुद जब टाइप करता हूँ तो मैं ग्रामरली जब तक ओपन नहीं होता तब तक मैं टाइप नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रामरली जो दिखा रहा है मुझे, मुझे भरोसा है कि ग्रामरली जो मेरी इंग्लिश को करेक्ट कर रहा है, मेरे लिखित सेंटेंसेस को करेक्ट कर रहा है, वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। और अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में, अब अंडरस्टैंडिंग के टर्म में तो और सही होना चाहिए भाई, एनएलपी सिस्टम ये कि आपने एनएलपी सिस्टम बनाया, उसके अंदर आपने कोई चीज़ बोली जो कि पांचों फेज से गुजरी, उसके बाद के ग्रामेटिकली अगर वो सही होगी तो ही तो वो समझ में आएगी। अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, समझ में आएगी जब बोला मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आता है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन मतलब ये कि कोई एक नेटिव लैंग्वेज है और कोई एक दूसरी नेटिव लैंग्वेज के अंदर आपको टेक्स्ट कन्वर्ट करना है, मशीन को मतलब मैसेज, मशीन जो है वो ट्रांसलेट है, मतलब ये कि एक तरफ एक मशीन है और दूसरी तरफ दूसरी मशीन है, और इसकी लैंग्वेज डोमेन बिल्कुल अलग, इसकी लैंग्वेज डोमेन बिल्कुल अलग और इसकी डोमेन बिल्कुल अलग। जब मशीन इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होगी, जब लैंग्वेज इधर से उधर, तो ये अपनी असली साख ना खोए, अपनी विटिलिटी जो है वो ना खोए, मतलब क्योंकि इस दुनिया में इतने तरह तरह के लोग हैं, उन सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की हैं। हम नहीं चाहते कि हम अफ्रीका में जाएं और अफ्रीकन लैंग्वेज में बात करें और उसमें हम जो बात करना चाह रहे हैं उसका मतलब जो है अर्थ का अनर्थ निकल जाए और हम वहाँ पे पिटें बुरी तरह से। इसलिए हम चाहते क्या है कि हम ऐसा ट्रांसलेटर लेके जाना चाहते हैं जो बिल्कुल सही बात बोले, मतलब एक लैंग्वेज डोमेन को जब दूसरे लैंग्वेज डोमेन में कन्वर्ट करे या दूसरे को पहले में कन्वर्ट करे तो वो उसकी वैटिलिटी ना खोए। वैटिलिटी मतलब ये कि उसका अर्थ को अनर्थ ना कर दे। तो ये जो चार एरिया मैंने आपको बताया, ये चार एरिया बड़े मैसिव हैं और उस पर रोज कुछ ना कुछ आप एक नया रिसर्च पेपर उठा के देख लें किसी भी बड़े अच्छे जर्नल का, किसी अच्छे स्कोपस एसीआई इंडेक्स जर्नल का, तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी। तो ये और इसके अलावा भी मैं तो अभी चार ही बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे और इसकी रिसेंट रिसर्चेस को देखेंगे एनएलपी की, तो ढेर सारी है, उसकी सीमा कुछ है ही नहीं, लिमिटलेस है। तो वो इसकी क्या है कि ऐसे एरियाज हैं जो कि एम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च को कि हम एनएलपी में और आगे बढ़ें, और कैसे भी करके बढ़ें लेकिन बढ़ें। थैंक यू सो मच।